सो हे गाइस, क्या हाल है सबके। तो थिएटर्स में एक पैन इंडिया मूवी लगी है जिसका नाम है लाइगर, स्टारिंग विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे, राम्या कृष्णन और रौनित रॉय। एंड सच बताऊं तो इस मूवी का ट्रेलर जब आया था तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। एंड मूवी देखने के बाद मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरा ओपिनियन इस मूवी को लेकर बदल गया है। ऐसा सोचना मत, क्योंकि मैंने जैसा इस मूवी के बारे में सोचा था, ये मूवी उससे भी ज़्यादा बेकार निकली है। तो मैं कोशिश करूँगा इस मूवी की कहानी आपको सिंपल तरीके से समझाने में। तो लाइगर की कहानी है कि इस मूवी में लाइगर नाम का एक लड़का होता है जो अपनी माँ के साथ चाय बेचता है मुंबई की सड़कों पर। एंड उसकी माँ का एक ही सपना है कि उसका बेटा एक एमएमए फाइटर बने और चैम्पियनशिप जीते। और इसी बीच एंट्री हो जाती है इस मूवी की असली विलेन, हीरोइन की, अनन्या पांडे। एंड फिर जो मूवी हगती घूमती है, वहाँ से वो देख के आपके रोंगटे तो नहीं बट आप खड़े के खड़े रह जाओगे अपने सीट से और मूवी छोड़कर भी चले जाओगे बीच में। तो पहले मैं आपको फिल्म के पॉजिटिव्स बता देता हूँ। इस मूवी का सबसे पहला एंड सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है विजय देवरकोंडा। उन्होंने एक हकलाने वाले लड़के का कैरेक्टर बिल्कुल बखूबी तरह से प्ले किया है। फिर उसके बाद उनके फाइटिंग स्किल, जो कि ओवर द टॉप तो नहीं लेकिन उनके रेज से उसे वो बना देते हैं। एंड बस यही था इस मूवी का पॉजिटिव फैक्टर। एंड अब बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की। सबसे बड़ा नेगेटिव इस मूवी का है खुद अनन्या पांडे। मेरा अनन्या को लेकर कोई हेट नहीं है, लेकिन जिस तरह का क्रिंज कैरेक्टर एंड एक्टिंग वो प्ले कर रही थी, इस मूवी की असली विलेन तो वही लग रही थी। दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव ये है इस फिल्म का, वो है स्टोरी और स्क्रीन प्ले। मतलब स्टोरी में लिटरली कुछ भी नहीं है एंड कोई भी सीन कभी भी चालू हो जाता है एंड आप देखोगे एंड कहोगे बस यूं ही कुछ एक्सप्लेन किए बिना ही डायरेक्ट चालू हो गया। एंड थर्ड सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है इस मूवी के गाने, जो कि आई डोंट नो मूवी में थे ही क्यों। इतने अननेसेसरी गाने तो हीरोपंती 2 में भी नहीं थे। एंड कोई भी सीरियस माहौल में कोई भी गाना आ जा रहा था विदाउट एनी कंसेंट एंड मेकिंग सेंस। एंड फोर्थ सबसे बड़ा नेगेटिव इस फिल्म का है इस मूवी का सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में आप मूवी थोड़ी सी ही सही बट इन्जॉय करते हो, लेकिन सेकेंड हाफ को देखकर लगेगा ही नहीं कि हम वही मूवी देख रहे हैं जो हमने पहले देखी थी। चीज़ें ऐसी टर्न लेती हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता और सब समझ के बाहर हो जाता है। एंड ओ माई गॉड, क्लाइमैक्स तो इस मूवी का हाईलाइट है। माइक टायसन जैसे इतने बड़े लेजेंड को विलेन दिखाया है एंड उनसे भी क्रिंज एक्टिंग करा ली, और ये कैसा क्लाइमैक्स था, सेंसलेस एंड पॉइंटलेस। एंड मेरा कोई हेट नहीं है विजय देवरकोंडा को लेकर, इनफैक्ट मैंने उनकी फिल्में देखी है एंड आई नो कि वो किस तरह के एक्टर हैं। लेकिन जब आप बॉलीवुड के हाथों में जाते हो तो हाथ से हाथ धो बैठना पड़ता है। तो ओवरऑल बात करूं तो लाइगर मूवी एक सेंसलेस एंड मीनिंगलेस मूवी है विथ अ बैड स्क्रिप्ट एंड अ बैड स्क्रीन प्ले। मतलब बॉलीवुड का इतना बुरा टाइम चल रहा है कि विजय देवरकोंडा जैसे एक्टर को भी क्रिंजी बना दिया है। एंड ये देखकर साबित हो गया है कि ज़रूरी नहीं कि बॉलीवुड एंड टॉलीवुड का जब मिश्रण हो तो हमें मास्टरपीस ही देखने को मिले। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको लाइगर मूवी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी यूट्यूब के ऐप पर। तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।